कक्षा सातवीं विषय हिंदी पाठ छः पृथ्वी से अग्नि तक भाग तीन। बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने भाषण से वैज्ञानिकों में एक नया जोश भर दिया, जो अग्नि मिसाइल में तकनीकी खराबी थी और उससे सारे वैज्ञानिक हताश हो गए थे। वो उनका भाषण सुनकर सब में एक जोश आ गया और जो भी तकनीकी खराबी थी, सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर उस तकनीकी खराबी को सुधार दिया और जो अग्नि मिसाइल थी वो उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार थी। लेकिन तभी वहाँ पर मौसम की खराबी होने के कारण एक चक्रवात तूफान का खतरा मंडरा रहा था और सारे वैज्ञानिक यह समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का आखिरी भाग पढ़ते हैं। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया और मौसम खराब होने के कारण अंत में यह डिसाइड हुआ कि जो अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण है उसको 22 मई 1989 को हम निर्धारित करेंगे। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। उस दिन बच्चों पूर्णमासी का दिन था, पूर्णिमा का रात थी और जो ज्वार की लहरें थी, जो हाई टाइड था, वो समुद्र की लहरें थी, वो किनारों से टकराकर बहुत ही शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। जो सारे वैज्ञानिक थे, सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या यह अग्नि का प्रक्षेपण कल सफल हो पाएगा? लेकिन वह रात इतनी सुंदर थी कि सब लोग उस रात के जादू को खराब नहीं करना चाहते थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? वहाँ पे सब वैज्ञानिकों के बीच में रक्षा मंत्री भी थे। रक्षा मंत्री जी ने कलाम जी से पूछा कि अग्नि मिसाइल की कामयाबी के बाद तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था मेरे पास जो नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे एक जवाब मिल गया। तो बच्चों, अब्दुल कलाम जी सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? मैं क्या रक्षा मंत्री जी से मांगू, एक ऐसा उपहार मांगू जो मुझे और खुशी दे सके? यह सब अब्दुल कलाम जी सोच रहे थे, तब उनको अचानक जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। फिर अब्दुल कलाम जी ने रक्षा मंत्री जी से कहा कि हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था और अगले दिन सुबह 7:10 पर जो अग्नि मिसाइल थी उसको छोड़ा गया और यह जो प्रक्षेपण था वह सफल रहा, परिपूर्ण रहा। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुःस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने के जैसा था और सबको ऐसा लग रहा था कि एक हम बहुत खराब सपना देख रहे थे और वो भी भरी नींद में देख रहे थे और उस भरी नींद से उठने के बाद एक सुबह खूबसूरत सुबह में जागने के जैसा अनुभव था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड
पर आए थे और हमने अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए, अग्नि मिसाइल को तैयार करने के लिए कितना साल मेहनत किया? 5 साल। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। और 5 साल की मेहनत के बाद भी हमारी मेहनत पूरी नहीं हुई। पिछले 5 हफ्तों में एक न एक तकनीकी खराबी आती चली गई और हम उस अग्नि परीक्षा से गुजरते चले गए, लेकिन हमने कोशिश नहीं हारी और अंत अंत में हमने यह सफल करके दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। अब्दुल कलाम जी बोलते, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला और सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा हमें मिला। अब्दुल कलाम जी ने बोला कि हम जो इतने वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वो 600 सेकंड की भव्य उड़ान से हमारी सारी मेहनत थी वह सफल हो गई और जो इतने सालों की थकान थी वह एक पल में ही गायब हो गई और सालों साल की मेहनत का हमको एक बहुत ही सुंदर और शानदार नतीजा मिला। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।